नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों और प्रदेश में बड़े रोडवेज बसों के किराए को लेकर कांग्रेसियों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के आगे जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम तत्काल कम करने की मांग की, साथ ही ऐसा न करने पर लगातार आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, हर पेट्रोल पंप के बाहर बैठ रही है और जनता को बताना चाहती है कि ये सरकार वादा करके आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज हमें पता नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा कहीं कहाँ अच्छे दिन है। ये हम ढूंढ रहे हैं, अब कुछ समय बाद हम टॉर्च लेके पूरे अच्छे दिनों को ढूंढेंगे। इसी बागेश्वर जिले में पूरे कि जब मोदी जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ और अच्छे दिन लाएंगे। सोमवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के खिलाफ जौनपुर ब्लॉक थत्यूर के भगवान पेट्रोल पंप में सामाजिक दूरी के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि एक और कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की जनता परेशान है, तो वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। 2014 और 2019 में देश की जनता से जिन अच्छे दिनों का वायदा किया था, तो आज देश की जनता कह रही है कि हमारे बुरे दिन हमको लौटा दो, अपने अच्छे दिन अपने पास ले लो। जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम पिछले 24 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और आज लोगों की खरीद की पहुंच से बाहर डीजल पेट्रोल हो गया है, आम जरूरत की चीजें डीजल महंगा होने से महंगी हो गई हैं। देहरादून से पौड़ी आ रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यात्रियों को पौड़ी ला रहे वाहन पर प्यासी के पास पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिसके बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पौड़ी के मुख्य पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों के विरोध में एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारी सरिता नेगी का कहना कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल कंपनियों से अपना नियंत्रण हटा दिया है, जिसके चलते ये कंपनियां मनमाने ढंग से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं, जिसका असर आम जन पर पड़ रहा है। ये जो वर्तमान स्थिति है, इस समय जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों की कीमत बढ़ रही है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल और पेट्रोल जो है एक जैसा हुआ है, एक ही रेट हुए हैं। ये सरकार जितना सुविधा हम कहते हैं टैक्स लीजिए, पर इतना ज़्यादा अधिभार, इतना सुविधा शुल्क ले रहे हैं। एक तरफ तो बड़ी मुश्किल से महामारी से जनता उभरी है और दूसरी तरफ आपने ऐसी मार उनके ऊपर रखी है कि वो किस तरीके से अपने काम धंधे चलाएं। श्रीनगर गढ़वाल में स्कूल की फीस माफी को लेकर छोटे छोटे बच्चों ने सर पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने साइकिल पर सवार होकर पूरे शहर का चक्कर भी लगाया और मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि जिस तरह से असम सरकार ने तमाम तरह की फीस माफ की है, उसी तरह से उत्तराखंड सरकार को भी फीस माफ करनी चाहिए। सर, आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरीके से आर्थिक मंदी सभी के ऊपर में आई हुई है और जो सबसे मध्यम वर्ग है, जो निचले वर्ग है, उनपे सबसे बड़ी अभी ये प्रायोरिटी उनके लिए हो रही है। जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस जिस तरीके से फीस की डिमांड कर रहे हैं, जिस अभी रोजगार एकदम मध्यम चला हुआ है, इसमें मध्यम वर्ग समर्थ नहीं है फीस देने में, तो हम लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं 15 दिन पहले असम सरकार ने पूरी तरीके से फीस माफ किया है और वहाँ पर एक हज़ार रुपये पर स्टूडेंट को दिया है, इसी तरीके से यहाँ की भी सरकार से हमारी अपील है कि वो फीस माफ करे इस आर्थिक मंदी में। हरिद्वार में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के तत्वाधान में श्रमिकों और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। श्रमिकों ने केंद्र की जन विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया और श्रमिकों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजवीर चौहान ने बताया कि श्रमिकों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।